हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ कुछ ऐसी प्रोडक्ट लेके जो मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बाय करी है। मैंने दो तीन वीडियो में आपको बता रही थी कि मैं अपना ख़जाना शो करूँगी। तो अपना थोड़ा बहुत ख़जाना आज भी शो करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ख़जाना ही शो कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिस रोज़ की बेस ली है, हैंग फेंग के ग्लिटर हैं, इसे डिटेल में आगे डिस्क्राइब करती रहूँगी। अमेजिंग ग्लिटर हैं और इनसे बहुत अच्छा आई मेकअप लुक क्रिएट होता है। ये मेल्टेड ग्लॉसेस हैं किस ब्यूटी के, जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए आप लोगों के लिए बाय करे हैं, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे मेकअप लुक क्रिएट करके दिखा सकूँ। तो ये सारे कलर थे मेल्टेड ग्लॉसेस के, और ये लिए हैंग फेंग के टिंट। अपना बनाया हुआ टिंट बहुत लगा चुकी दोस्तों, अब हैंग फेंग का ट्राई करूँगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह इससे भी एक लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। थोड़ी बहुत डिटेल प्रोडक्ट की इसलिए बताती रहती हूँ आपको कि आप उस वक्त ना पूछें कि आप क्या यूज़ कर रही हैं। कंसीलर यहाँ मिस रोज़ का लिया है मैंने, आईब्रो मार्कर लिया है, मस्कारा लिया है। मैंने कुछ सामान मंगाया है जो मैं आपके साथ बहुत दिनों से शेयर करना चाह रही थी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी, हैंग फेंग के माय फेवरेट लिप टिंट, जो किसी बेनी टिंट से कम नहीं है। इनके सर्चेस मैंने घर लिए हैं हाथ पर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बेनी टिंट के सर्चेस, और ये मुझे मिले हैं अंडर 600 में 6 कलर। तो द सेकेंड प्रोडक्ट इज ग्लिटरी आई शेडो ऑफ हैंग फेंग। इसमें 12 कलर्स आते हैं, इससे बहुत अच्छे अच्छे आई मेकअप क्रिएट आगे जाके मैं आपको करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इसके सर्चेस मैंने लिए यहाँ, ये 12 कलर में मार्केट में मौजूद हैं। तो डेट्स इट, दो चीज़ें मैंने आपको शो कराई, बैनी ड्रिक्स एंड को। तो यहाँ हैंग फेंग का हमारा कम्प्लीट होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मेरे पास है किस ब्यूटी के ग्लॉसेस, तो मैं यहाँ आपको सजा देती हूँ, फिर आप स्क्रीन शॉट देखना। ये पहला किस ब्यूटी का शेड है जो मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई नहीं करा हुआ है आज। ये वाला मैंने अपने लिप्स पे आज अप्लाई करा है। तो ये है मेरे मेल्टेड मैट कलर्स, जिसमें से एक मैंने अपने लिप्स पे ये वाला अप्लाई करा है आज, और ये कलर्स मैंने बनाया आप लोगों के लिए सारे लोग क्रिएट करने के लिए। तो मैंने खोल के दिखाऊंगी कि जैसे हैं ये अंदर से वैसे ही हैं। थर्ड रिव्यू देना चाहती हूँ मैं मिस रोज़ की लिक्विड बेस को। तो इस बेस में 6 शेड्स आते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 शेड मौजूद हैं, आइवरी एंड 45। तो मैं आपको शो करा देती हूँ इनके सर्चेस, आई विल शो यू। तो दिस इज आइवरी कलर, इसमें आता है बेज, मीडियम बेज, ये बहुत अच्छी हाईली पिगमेंटेड बेस है। एक को मैं खोलूंगी नहीं, सिर्फ आपको कलर शो कराता हूँ। बिल्कुल सील पैक है। 2 कलर्स मेरे पास यहाँ पर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दैट्स इट। तो यहाँ पर है मेरे पास कंसीलर मिस रोज़ के, दोनों आइवरी इन कलर। ये मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए आप लोगों के लिए मंगाया मैंने। इस वीडियो को बहुत लंबी हो जाएगी तो शायद मुझे 2 पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मंगाया मैंने आप लोगों के लिए आईब्रो के लुक क्रिएट करने के लिए आईब्रो मार्कर, जिस पर प्रूफ है मैट है, डार्क ब्राउन कलर में है। इस तरह 2-in-1 होता है, इस तरह ब्रश होता है आईब्रो ब्रश, और इस तरह ऐसे मार्कर यहाँ से रोटेट होके खुलता है। मैं आपको शो करा देती हूँ इसके में, इस तरह बनाए बनती है आईब्रोज। और द फोर्थ प्रोडक्ट इज स्टेम लाइनर, स्टेम लाइनर। ये पैक है, इसके एक तरफ स्टेम होता है इस तरह, और एक तरफ पैन की टिप होती है।
सील पैक। लाइनर आ गया, पेन आ गए, अब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें प्रूफ मस्कारा लॉन्ग लास्टिंग। हेयर इज मिस रोज का मस्कारा, ये बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है। आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ बहुत ही स्पेशल। यहाँ पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, आगे से जोड़ेंगे आगे कुछ और मिस रोज की प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ मुझे आप खुदाफिस इजाज़त दीजिए, फिर मिलती हूँ मैं आपको ब्रेक के बाद।